और ये सारा सामान हमने पैक कर लिया है लगभग लगभग, और हम स्टेशन पे आ चुके हैं। आयुष भैया आए हैं हमें हैप्पी जर्नी कहने के लिए हार पहना करके, और ये हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। सफ़र शुरू हो चुका है हरिद्वार के लिए देवास से, और बीच में हमने नाश्ता किया, कुछ खिचड़ी खाई, और अगले दिन सुबह उठ करके ब्रश करके हम सीधा हरिद्वार पहुंच गए, जहाँ पे दुर्गेश जी हमें लेने आए थे। और ये हरिद्वार स्टेशन, यहाँ आते ही एक अलग ही एहसास होता है, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं जीवन में पहली बार अपनी आँखों से ऐसा दृश्य देख रहा हूँ हरिद्वार का। और ये हम हमारे आश्रम पहुँच चुके हैं जहाँ हम रुकने वाले हैं आज। राम राम जी। सो हम लोग अभी अयोध्या में हैं। अयोध्या की जर्नी बहुत अच्छी रही, पहुँच गए। ये हम जहाँ पे रुके हैं वो जगह है। मैं अच्छे से फ्रेश हो चुका हूँ, रात हो चुकी है, थोड़ी शाम हो चुकी है मेरा मतलब, और हम यहाँ से अभी निकलने वाले हैं आसपास थोड़ा देखने घूमने। और सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे गंगा जी नहाने के लिए, और वहां से आगे की पूरी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे। सो आगे चलते हैं। और हमने मिलकर के एक ऑटो किया है, और उस ऑटो से ही हम निकल चले हैं गंगा जी की तरफ। गंगा जी में जाएंगे, स्नान करेंगे, आरती हम लोगों ने थोड़ा लेट हो गए तो मिस कर दी है। तो मैं ठीक गंगा के यहाँ आ गया हूँ। इतनी ज्यादा लाइट नहीं है तो आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं बैक कैमरे से पूरा दिखाता हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं, और अभी हम डुबकी लगाने जाएंगे, गंगा स्नान करने नहाने के लिए जाएंगे अभी हम। और ये खूबसूरत सा गंगा के किनारे का नजारा आप देख सकते हो, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ जल्द से जल्द नदी के पास पहुँच करके डुबकी लगाने के लिए। तो ये ब्रिज है, इसके ऊपर से हम जाएंगे, दूसरी तरफ हमें जाना है इसे पार करके। तो आगे आगे हम चल रहे हैं सब, और ये हम फाइनली तट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं स्नान करने। बहुत ज़्यादा तेज़ बहाव है पानी का, आप लोग देख सकते हो, ये देखो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव है इस पानी का यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो ये रही घाट, यहाँ पे हम नहाने वाले हैं जो पूरा, और इसका बहाव बहुत ज्यादा तेज है, आप लोग देख सकते हो। तो चलते हैं और गंगा में नहाते हैं, अब चलते हैं। बहुत अच्छे से गंगा स्नान हो गया हमारा सबका, अब हम लोग चेंज कर रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हो, बहुत आनंद आया। और गंगा का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बह रही है नदी, आप देख सकते हो। तो गंगा स्नान करके अब हम लोग गंगा मंदिर में जा रहे हैं। ये पूरा गंगा मंदिर है। तो यहाँ 3D मूर्तियाँ बनाई गई है, और ये पैर धोने के लिए, इसमें हम पैर धो करके फिर अंदर प्रवेश करेंगे। और बहुत एकदम लाइट से पूरा जगमगाता हुआ है, एकदम एक अलग ही नगरी लग रही है मुझे। तो अभी जो मेन मंदिर है गंगा मंदिर, हम लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ हमारा गंगा स्नान बहुत अच्छे से हो गया, और अब गंगा मंदिर के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण हरिद्वार मंदिर मूर्ति देख सकते हो आप, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था। और ये आप देख सकते हो 3D जो बनाया गया है बहुत बारीकी से। और दुर्गेश जी हमें यहाँ लस्सी पिलाने के लिए लेकर के आए हैं, यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस और काफ़ी हैवी है ये लस्सी, मैंने सुना। तो मंदिर के दर्शन कर लिए, नहा लिया, अब हम वापस अपने ऑटो के पास जा रहे हैं, दूसरी लोकेशन पे जाएंगे यहाँ से कहीं अब हम। और ये लस्सी बहुत ज्यादा वर्थ इट है, 60 रुपीज की, और बहुत हैवी भी है, मेरी अब तक खत्म ही नहीं हुई है। तो काफी लेट हो गया था तो हम सीधा आश्रम आ गए, सीधा भोजन करने चलते हैं, और बहुत भूख लग रही है तो सीधा भोजन के लिए चलते हैं। और ये एकदम गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पूरी घी वाली रोटी के साथ बिना प्याज लहसुन का ये भोजन। तो भोजन भर पेट हो चुका है बिना प्याज लहसुन का, इतना स्वादिष्ट भोजन हुआ आज। Day 1 हरिद्वार का बहुत अच्छा बीता ओवरऑल। गंगा जी में स्नान कर लिया, मंदिर के दर्शन हो गए, भर पेट भोजन हो गया अच्छे से।
तो आई होप आप लोगों को ये पूरी जर्नी अच्छी लगी होगी और आगे इसके काफी पार्ट्स बनाते रहूंगा मैं। सो अगर यहां तक बने तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगा मैया की। आप लोग ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।